लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज सिक्स इंट्रोडक्शन टू यूक्ट जिमेट्री क्वेश्चन है ये पी क्यू है ये आर एस है, है और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ई जी एच एफ रेस्पेक्टिवली और यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है एम एन राइट फ्रेंड्स नेम फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट इज सिक्स पॉइंट्स बताने हमें पॉइंट्स होते हैं डॉट या कोई भी लाइन में आप ऐसे करके जो स्पेसिफाई करते हैं दैट दिस इज ए तो दिस दिस इज द पॉइंट तो आप कोई से भी लिख सकते हैं ए पी आर एस क्यू बी सी डी एंड मेनी मोर्स दीज ऑल आर द पॉइंट बिकॉज लेट्स डू सेकेंड पार्ट फाइव लाइन सेगमेंट फ्रेंड्स लाइन सेगमेंट होती है दो पॉइंट को जो ज्वाइन करती हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट जब हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो ये लाइन सेगमेंट भी हैं। या आप चाहें तो ई जी ई एफ में एम एन ई एफ एफ एच जी एच इसके ऊपर साइन लगाना ना भूलें राइट एंड ई जी इज द लाइन सेगमेंट टू थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट एज फोर रेज फ्रेंड्स रे कौन सी होती है जो एक साइड चलती है और एक साइड एरो होता है तो कौन कौन सी हो सकती है ई एपी जी आर जी बी आप चाहें तो ये बाहर बाहर के पॉइंट भी लिख सकते हैं या आप एफ पी एच आर ये भी लिख सकते हैं फाइव पॉइंट्स लिखने थे हमें एच uh, आर ये भी लिख सकते हैं राइट फ्रेंड्स टू फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट इज फोर लाइंस फ्रेंड्स लाइंस होती हैं जिनकी दोनों तरफ एरोज होते हैं तो ये देखिए दोनों तरफ एरोज किसके थे ए बी सी डी पी क्यू आर एस फोर लाइन्स हो गई नेक्स्ट इज फोर कोलिनियर पॉइंट फोर कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं जो एक ही लाइन में पॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट तो कौन से भी लिख सकते हैं आप ए एम ई जी बी भी लिख सकते हैं एम ई जी बी या और सी एन एफ भी लिख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स और भी हैं, ये वाले भी कोलिनियो पॉइंट्स हैं। थैंक यू इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू